सब्सक्राइब करें सोहाइपर चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोहाइपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत में, जी हाँ, भारत के ऐसे कौन से शहरों में मेट्रो है। जी हाँ, भारत में 10 ऐसे शहर हैं जहां मेट्रो है और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन कौन से शहरों में, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। 6 ऐसे शहर हैं जहाँ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, मेट्रो का काम चालू है, और कौन से शहरों में, यानी दिल्ली के जो NCR है, 2 ऐसी दिल्ली के NCR है, वहाँ मेट्रो भी आने वाली है। तो इस वीडियो में आप पूरी डिटेल के साथ जान पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए, बिना कोई टाइम गवाए हम वीडियो के अंदर चलते हैं और जानते हैं कि वो कौन से शहर है जहाँ मेट्रो अभी हाल फिलहाल में है और अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। तो गाइस, वीडियो के अंदर अब हम आ गए हैं और वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से शहरों में मेट्रो का काम चालू है, कौन से शहरों में अभी सर्विस में मेट्रो है। तो चलिए वीडियो के अंदर चल के जानते हैं, पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा वो शहरों में कौन से शहरों में मेट्रो है, कब से शुरुआत हुई है, कितने स्टेशन हैं। तो पूरी डिटेल इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 10 ऐसे शहर हैं जहां मेट्रो रेल कनेक्टिविटी अभी चालू है, इन सर्विस में है, और 6 ऐसी सिटीज़ हैं जहां अंडर कंस्ट्रक्शन में काम चालू है, और 2 NCR मेट्रो अंडर दिल्ली के भी है, उसका भी काम चालू है, वो आ सकती है, अभी आने वाली है। तो चलिए, तो नंबर वन तो लिस्ट वाइज तो नहीं, लेकिन जहाँ से शुरुआत से सबसे पहले मेट्रो चालू हुई है, तो वो शहर के नाम लेता हूँ मैं। तो पहला है कोलकाता। जी हाँ, 24 अक्टूबर 1984 को, यानी 1984 को चालू हुई मेट्रो कोलकाता में सबसे पहले चालू हुई थी। यह 24 स्टेशन है, 24 स्टेशन हैं, और ये बहुत ही बड़ा शहर है कोलकाता। तो दूसरे नंबर पे दिल्ली NCR। जी हाँ, दिल्ली NCR के मेट्रो के जो स्टेशन हैं, भारत में सबसे ज़्यादा दिल्ली NCR में मेट्रो के स्टेशन हैं। जी हाँ, तो 24 दिसंबर 2002 को शुरू हुई ये मेट्रो 195 स्टेशन पे दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे रहना चाहिए, लेकिन लेट चालू हुई ना, कोलकाता के बाद शुरुआत हुई इसकी, तो इसलिए दूसरे नंबर पे है। तो तीसरे नंबर पे बेंगलुरु। जी हाँ, 20 अक्टूबर 2011 को इस बेंगलुरु मेट्रो का अनावरण हुआ, यानी उद्घाटन हुआ। यहाँ 41 स्टेशन है, जी हाँ, इसलिए तीसरे नंबर पर स्टेशन, ठीक है, अच्छी है, तीसरे नंबर पर, क्योंकि दिल्ली के बाद चालू हुई। तो नंबर चार पे गुड़गांव। जी हाँ, 14 नवंबर 2013 को चालू हुई 11 स्टेशनों के साथ गुड़गांव मेट्रो चालू हुआ था। फिर नंबर पाँच पे मुंबई। जी हाँ, 8 जून 2014 को चालू हुई 12 स्टेशनों के साथ। मुंबई में अभी अलग अलग स्टेशनों के काम तो चालू है अलग अलग फेज के, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 12 स्टेशन है। तो नंबर छः पे जयपुर। जी हाँ, जयपुर 3 जून 2015 को चालू हुई थी, और 9 स्टेशन के साथ इसको लाया गया था मेट्रो को जयपुर में। तो नंबर सात पे है चेन्नई। जी हाँ, 29 जून 2015 को, यानी जयपुर मेट्रो के बाद चेन्नई मेट्रो का भी उद्घाटन यानी इनोग्रेशन हुआ था 29 जून 2015 को। यहाँ 26 स्टेशन है, 26 स्टेशन है चेन्नई में, बहुत बड़ा शहर है साउथ के इसमें। फिर है कोच्चि। जी हाँ, केरल का कोच्चि, 17 जून 2017 को यहाँ मेट्रो चालू हुई थी, 2017 में आई थी। ध्यान से ये सुनना कि क्योंकि 2017 में 3 मेट्रो चालू हुई थी, नंबर 8, 9 और 10। तो देखिए, 17 जून 2017 को कोच्चि की मेट्रो चालू हुई थी 16 स्टेशनों के साथ। फिर नंबर 9 पे 5 सितंबर 2017 को 8 स्टेशनों के साथ लखनऊ मेट्रो शुरुआत हुई थी। फिर नंबर 10 पे हैदराबाद। जी हाँ, 29 नवंबर 2017 को ही 40 स्टेशनों के साथ मेट्रो चालू हुई थी, यानी अभी एक साल पहले मेट्रो चालू हुई थी 40 स्टेशनों के साथ। तो अभी देखते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में कौन सी मेट्रो है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन में है नोएडा। जी हाँ, इसका इनोग्रेशन दिसंबर 2018 में हो जाएगा 22 स्टेशनों के साथ, यानी इसी साल इसी महीने में हो जाएगा 22 स्टेशनों के साथ। शायद हो भी गया होगा, शायद होगा वो, मे बी, ठीक है। फिर दूसरी जो मेट्रो है नागपुर मेट्रो। जी हाँ, इसका इनोग्रेशन मार्च 2019 को, यानी 3 महीने बाद मार्च 2019 को होगा, वो भी 42 स्टेशनों के साथ।
मुझे लगता है कि नागपुर की कुछ कुछ स्टेशन चालू हुए हैं, लेकिन पूरे के पूरे स्टेशन मार्च 2019 में कंप्लीट हो जाएंगे। 42 स्टेशनों के साथ नागपुर मेट्रो आएंगे। फिर आएंगी नवी मुंबई। जी हाँ, अप्रैल 2020 में 20 स्टेशनों के साथ मुंबई, नवी मुंबई की मेट्रो भी चालू होने वाली है। फिर है अहमदाबाद एंड गांधीनगर। जून 2020 को 32 स्टेशनों के साथ अहमदाबाद एंड गांधीनगर की मेट्रो आने वाली है। और पुणे, फिर है पुणे जून 2022 को आएंगी पुणे की मेट्रो। फिर आएंगी चेन्नई की। जी हाँ, चेन्नई की बहुत बड़ा शहर है तो वह अलग अलग फेज में मेट्रो रहती है। तो चेन्नई की आएंगी दिसंबर 2018 यानी इसी साल इसी महीने में आने वाली है 104 स्टेशनों के साथ। जब भी आएंगे हम वीडियो बना देंगे या आपको अपडेट करा देंगे। तो एनसीआर जो दिल्ली के अंडर आते हैं, वो कौन से शहर है जहाँ मेट्रो भी आने वाली है? तो गाजियाबाद में आने वाली है और फरीदाबाद में आने वाली है। अगर आपको ऐसे लगता है कि आ गई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि हो सकता है मैंने मिस कर। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो में कुछ मिस हुआ हो, आपको ऐसे लग रहा है कि मेरा शहर छूट गया है या अभी मेरे शहर में काम चालू है लेकिन आपने वीडियो में नहीं मेंशन किया, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि गलती हर किसी से हो सकती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि गलती हो गई होंगी। तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ अपने चैनल पर, तो चैनल के वीडियो देखिए, एकदम इंटरेस्टिंग वीडियो रहती है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।